धन्यवाद। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, मैंने कल भी कहा था, जीरो आवर के बाद दो दो तीन दिन आगे बैठोगे तो मंत्री क्या सुनेंगे, क्या काम करेंगे? देख, आपको भी कह रहा हूँ, आप मत उठो। मेरा आपसे प्रार्थना है, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, मेरा समय खराब हो रहा है। आप बोलो, मेरा समय खराब हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर जिले की बात करना चाहूंगा। 31/7/2024 को गुजरात असारावा से डूंगरपुर होते हुए जयपुर जो ट्रेन आ रही थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने कोटरणा के आसपास 16 mm के सरिये डालकर उस ट्रेन को रोकने की कोशिश की। अप्रिय घटना होने की आशंका थी, उसमें लूटमार, डकैती, हत्या, कुछ भी हो सकता था। लेकिन वहां का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है, ये भजनलाल सरकार क्या कर रही है? आए दिन डूंगरपुर जिला पहले अशांति एरिया था, 5-6 साल से वहां पर लूट, दंगे, मारपीट, 8 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता है, ऐसी स्थिति हो गई है। एक महिला के साथ 4 दिन की पहले की बात है, उस महिला के पीछे घोड़ा काट, वहां के 8-10 जने नकाबपोश ने उसके पीछे दौड़े, वो महिला अपनी जान बचाकर पहाड़ी के पीछे जंगल में छुपी। मुश्किल से 1 बजे फोन किया, उसके घर वाले आए, उसको ले गए। लेकिन राम सगड़ा थानेदार कहता है कि मेरे एरिया में नहीं है, कोतवाली थानेदार कहता है मेरे एरिया में नहीं है। वहां अशांति फैली हुई है डूंगरपुर जिले में, इसको जल्द से जल्द शांत किया जाए और जो असामाजिक तत्व है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। धन्यवाद। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठिए, अरे आप बैठिए, सीधा सवाल नहीं। माननीय अध्यक्ष।